आप में से बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता था बेस्ट DSLR कैमरा अंडर 30,000, 40,000, 50,000 एंड पहले जो हमारे पास ऑप्शंस होती थी उनमें से निकॉन का एक ऑप्शन होता था D3300 या D3400। अब वो ऑप्शन चेंज होने वाला है बिकॉज निकॉन ने एक नया एंट्री लेवल DSLR इंट्रोड्यूस कर दिया है जो है निकॉन D3500। ये जो वीडियो है विद इन अ वीक के अंदर निकॉन ने एक नया DSLR एंट्री लेवल DSLR लॉन्च किया है। तो और स्पेशली अगर आप निकॉन D34 ओनर हो या D33 ओनर हो और आप सोच रहे हो कि D3500 कहीं ज़्यादा अच्छा कैमरा ना निकले, तो लेट मी टेल यू वन थिंग बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपके पास D3400 या D3300 है आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप वीडियो आगे तक पूरा देखो, आपको पता लग जाएगा। अब जो निकॉन का D3500 नया एंट्री लेवल DSLR कैमरा जो आया है मार्केट में और जो इसका प्राइस है वो जो इंटरनेशनली लॉन्च हुआ है वो $500 है, तो उसको अगर कन्वर्ट किया जाए इंडिया में जितना मेरे को लग रहा है 35,000 के आसपास आएगा। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना आप लोगों को क्या लगता है कि विद कि किट लेंस के साथ मैं कॉस्ट बता रहा हूँ $500 1855mm लेंस, तो आपके क्या गेसेस हैं आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, देखते हैं किसका गेस सही निकलता है। तो प्राइस मैंने आपको बता दिया 35,000 के आसपास आई एम होपिंग इंडिया में आएगा 20th September के आसपास। अब इसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो 99% आर सेम एज निकॉन D3400। जो मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगा वो है फिजिकली, पहली चीज़ इसका वेट, लेट मी क्रॉस चेक, मैंने लिखा हुआ था ओके। तो D3400 का वेट विद बैटरी एंड मेमोरी कार्ड जो आता है दैट इज़ 445 grams, और अब जो निकॉन D3500 का विद बैटरी और मेमोरी कार्ड वेट जो आया है वो है 415 grams, तो 30 grams का कहीं ना कहीं डिफरेंस है विच इज़ 8-10%। इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है बट स्टिल डिफरेंस तो है। दूसरी चीज़ फिजिकली मैं पर्सनली काफ़ी इम्प्रेस हूँ निकॉन के नए जो UI यूज़र इंटरफेस दिया है D3500 में, पीछे इन्होंने पूरा चेंज कर दिया है। जो पहले D3400 में लेफ्ट और राइट में बटन्स होते थे अब सारे बटन्स राइट साइड में दे दिए हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है अगर आप सिंगल हैंडेडली यूज़ करना चाहते हो, सारे बटन्स आप राइट हैंड से इजीली कंट्रोल कर सकते हो, ये एक चीज़ मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। अब दूसरा बड़ा चेंज आप पीछे की साइड जो देखोगे वो है उसकी ग्रिप जो थंब के एरिया में होता है। पहले D3400 में जो ग्रिप थी वो थोड़ी छोटी सी थी, अब जो है जो रबर मटेरियल का ग्रिप जो पीछे लगाते हैं वो काफ़ी बड़ा कर दिया एंड आगे तक एक्सटेंडेड है, विच आई थिंक अगेन इज़ अ ग्रेट एडिशन एंड ग्रेट अपग्रेडेशन टू D3400। अब यही मैं आगे की तरफ अगर जाऊँ फिजिकली हम कुछ कंपैरिजन्स करें D3400 के साथ, तो सबसे बड़ा कंपैरिजन और सबसे अच्छी चीज़ जो इन्होंने इम्प्रूव किया वो है ग्रिप। ग्रिप आप देखोगे जितना फोटोज में देखने को मिल रहा है ऊपर आगे से वाइड है और डीप है, तो ये एक काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट निकॉन ने यहाँ पे किया है। ऊपर से जो आप एक डायल देखोगे जो पहले चेंज करने के लिए डायल होता था, अब वो प्रॉपर पूरा ऊपर डायल बना दिया और थोड़ा स्टाइलिश सा न्यू इम्प्रूव्ड लग रहा है, तो ये फिजिकली मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, समथिंग सिमिलर टू D5600। तो अब मैं यहाँ पे थोड़े स्पेसिफिकेशंस अगर आपको बताऊँ वो सिमिलर टू D3400 ही हैं। 24.2 megapixel का एक स्पीड का सेंसर है CMOS, ये क्रॉप सेंसर कैमरा है। ISO 100-25,600 एंड 11 point autofocus, ये कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जो सिमिलर हैं दोनों में। स्नैपब्रिज आपको मिल जाता है टू ट्रांसफर योर फोटोज इंस्टेंटली ऑन योर स्मार्टफोन, वो ऑप्शन है। एक चीज़ जो मेरे को यहाँ लग रहा है निकॉन को करना चाहिए था और उन्होंने नहीं किया, जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट था इसमें D3400 में एंड इवन कैनन के 1500 या 1300D में, वो है कि माइक, एक्सटर्नल माइक लगाने का कोई जैक नहीं है यहाँ पे। तो विद D3500 निकॉन वो इंट्रोड्यूस कर सकता था बट दे हैवन डन दिस। मे बी वो चाहते हैं कि आप उनकी 5000 सीरीज़ में इन्वेस्ट करो अगर आप वीडियोस को शूट करना चाहते हो। स्टिल मेरा मानना है अगर आप अपग्रेड कर रहे हो कैमरा को, और काफ़ी लोगों का बजट 30-35,000 के आसपास घूमता है, तो उस बजट में अगर आप एक माइक जैक दे देते तो काफ़ी बेनिफिशियल रहता। आप लोगों के क्या थॉट्स हैं और आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ मिसिंग लगी आपको इसमें, वो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आई थिंक फिजिकली यूज़र इंटरफेस सब जो इन्होंने इम्प्रूव किया है मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। स्पेसिफिकेशन जो हैं वो D3400 के ही जैसी हैं सेम, तो अगर आप ऑलरेडी D3400 के यूज़र हो और आपको लग रहा है D3500 एक नया मॉडल आ गया, तो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, ऐसा कुछ टेक्निकली कोई चेंज नहीं है, बस फिजिकली चेंजेस हैं, तो आई डोंट थिंक आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ेगी।
जो लोग नया DSLR लेने का प्लान कर रहे थे उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब परफॉर्मेंस कैसा है, ऑब्वियसली जब वो हैंड्स ऑन होगा, जब आएगा और मेरे को ट्राई करने को अगर मिला तो आई वुड डेफिनेटली शेयर माय रिव्यू अबाउट इट। तो यही था, मैंने सोचा एक छोटा सा अपडेट आपको दे दें कि जो नया कैमरा लॉन्च हुआ था। और मेरे को ज़रूर बताना कि अगर आपको इन फ्यूचर इस तरह के अपडेट्स की वीडियोस चाहिए, या इंस्टाग्राम पे अपडेट कर देता हूँ, वही बहुत है। लेट मी नो, और हम मिलते हैं आगे इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिक।